एक काफ़ी ही ज़्यादा पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले उसके जूतों में अपने पैर फंसाकर कुछ कदम चल लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके की वीडियो आज होने वाली है। तुमको याद होगा मैंने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैं राइडन के बारे में एक फैक्ट बताया था कि राइडन ने 14 साल की उम्र तक 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था और अब जब वो 35 साल का हो चुका है तो वो अभी तक गेमिंग हिस्ट्री में 7,000 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है। तो ये चीज़ सुनने के बाद तुम्हें सीधा ही एक मॉन्स्टर दिख रहा होगा जो मतलब कुछ भी बिना देखे सोचे समझे यूं ही लोगों को मार देता है, और मारता भी यूं ही नहीं बहुत बेरहमी से उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बहुत भयानक तरीके से मारता है। लेकिन क्या राइडन इतना बुरा है? क्या सच में वो इतना बुरा है? वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो राइडन को मॉन्स्टर या फरिश्ता बोलने से पहले हम उसके पास्ट के बारे में देख लेते हैं कि आखिर राइडन ऐसा हुआ कैसे। राइडन के बचपन में अगर तुम लोग देखोगे तो उसके माता पिता उसे बहुत पहले छोड़ के जा चुके थे, वो मारे जा चुके थे, लेकिन जिसने उसे गोद लिया था उसने भी 6 साल की उम्र से ही उसे लोगों को मारना काटना पीटना यही सिखाया था। जब उसे छोटी क्लासों में पोएम्स पढ़नी थी, जब गिनतियाँ सीखनी थी ना, तब उसने चाकू पकड़ना सीखा था हाथ में। वो उस माहौल में रहने के बाद भी, इतने सारे कत्ल करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपनी ह्यूमैनिटी को जो है बचाने में कामयाब रहा था। लेकिन फिर भी उसकी कंपनी ने जो है उसे माइंड कंट्रोल किया और उससे ना जाने क्या क्या काम करवाए। उसके बाद भी उसे बाद में पता लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी उससे बस प्यार का नाटक ही कर रही थी। फिर वो उसकी ज़िंदगी में आती है, फिर से धोखा देती है, फिर ज़िंदगी में आती है और फिर से धोखा देती है। तो इतना कुछ झेलने के बाद इंसान में क्या ही मोरल वैल्यूज़ रह जाएंगी। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी ना राइडन ने अपनी मोरल वैल्यूज़ खोने नहीं दी। वो चाहता तो बहुत पहले अपनी ह्यूमैनिटी को पीछे छोड़ करके एक वैसी मॉन्स्टर बन सकता था, लेकिन वो नहीं बना। अब मैं ये सब कैसे कह पा रहा हूँ, ज़रा एग्जाम्पल सुन लेते हैं। अगर वो सच में मॉन्स्टर होता तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के 3 बार धोखा देने के बाद 4थी बार उसे अपनाता नहीं। अगर वो सच में मॉन्स्टर होता तो जब उसे पता लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को यूं ही मीट की तरह बेच दिया जा रहा है, उन्हें काट काट करके केवल नए साइबॉक्स बनाने के लिए, तो वो कभी भी उन एजेंसीज से, उन गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेता। क्योंकि उसे मालूम था कि चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन पूरी गवर्नमेंट और इतनी ख़तरनाक एजेंसी से लड़ना उसके बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी वो उन बच्चों के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए उन सब से भिड़ जाता है। राइडन को जब पता लगता है कि उसका जो बाप है वही बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और जब तक वो रहेगा तब तक कोई भी शांति से नहीं रह सकता, तो वो इस चीज़ के चलते वो अपने बाप को भी मार देता है। और यही नहीं, राइडन के पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसका शरीर तक नहीं। ये जो PMC कंपनीज थी ना, जो प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशंस जो थी, इन्होंने उसके शरीर तक को काट करके मशीनी शरीर जोड़ दिया था उसके शरीर में। अब उसके शरीर में सिवाय उसके सर के कुछ भी इंसानों वाला नहीं है, वो टोटली मशीन बन चुका है। और इतना कुछ होने के बाद भी वो उन्हीं लोगों को बचाने की कोशिश करता है जिन्होंने उनके साथ ये कुछ किया था, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अच्छे थे। हाँ, उसने बुरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया लेकिन अच्छों को छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है राइडन देखो बिना सोचे समझे यूं ही किसी को मार देता है। मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में हमने देखा है कि जब राइडन को पता लगता है कि ये बेगुनाह लोग हैं तो वो उनको मारने से बचने की कोशिश करता है, वो उनके हाथों खुद मार खाता है, खुद की जान को खतरे में डाल देता है। लेकिन इन द एंड मानसून से फाइट करते टाइम राइडन एक बात एक्सेप्ट कर लेता है कि जंग में हमेशा बेगुनाह ही मारे जाते हैं और गुनहगार हमेशा राज करते हैं। राइडन सीधा सीधा बोलता है कि हाँ, जंग में बेगुनाह मारे जाते हैं, लेकिन तब जब तुम जैसे लोग उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करते हो, तो अब राइडन के सामने यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो अपना डेविल मोड ऑन कर देता है और फिर से जैक द रिपर बन जाता है। How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. I knew something was off after the Patriots. I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice. About protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good.
really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this is a wake-up call to what I really believe, what I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Kill her! Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it. All right. Pain. This is why I fight. This is my normal. My nature. You've lost your mind. क्योंकि वही जरूरी था, क्योंकि गलत का साथ देने वाला गलत ही होता है, चाहे वो मजबूरी में दे रहा हो या फिर अपनी मर्जी से या फिर पैसों के लालच में। क्योंकि वो लोग मॉनसून का और मार्शल जैसी पीएमसीज का साथ दे रहे थे, प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन जो थी उनका साथ दे रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत हो गए थे। क्योंकि जब उन्होंने जॉब ली और उन्हें पता लगा कि इस जॉब में ये सारा काम होना है, तो वो उधर रिज़ाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मतलब उनका पैसे का लालच था, और जब लालच के चलते वो पीछे नहीं हटे तो वो बेगुनाह नहीं रह गए, और जब बेगुनाह नहीं रह गए तो राइडन का उन्हें मार देना बिल्कुल सही डिसीजन था। मेटल गियर सॉलिड 4 गेम में हम देखते हैं कि राइडन जो है सबको बचाने के लिए खुद एक माइक्रोवेव वाले रूम में घुसता है जहाँ उसकी जान जाना तय था। वहाँ पर वो बोल देता है कि मेरा शरीर मशीन का है, मेरे को कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर उसका साथी उससे बोलता है कि चाहे तेरा शरीर मशीन का है, लेकिन दिल इंसान का है। Server room. The corridor's full of microwaves. One of us is enough. My body is a machine. I can take it. Your body may be a machine, but your heart is human. You've got a life to go back to. She means nothing to me now. Run! Look at me. You still have your youth. Don't waste it. You can start over. From here on, this is my fight. We tore the world apart. जो कि बिल्कुल सही बात है, राइडन सबके लिए फील करता है, लेकिन राइडन के लिए कोई फील नहीं करता। उसका दर्द कहीं ना कहीं उसके बैडेस होने के पीछे छुप चुका है। सब लोग यही समझते कि इतने खतरनाक कैरेक्टर के सामने कौन सा ही दुख टिक पाएगा, लेकिन किसी इंसान के ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि उसे दुख या तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राइडन कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन यमराज जरूर है उन लोगों के लिए जो कानून तोड़ेंगे, बेगुनाहों को सताएंगे, उनका मर्डर करेंगे। तो राइडन जैसा यमराज जरूर आएगा और सच में सबको काट के रख देगा। गुनहगार लोगों ने राइडन से उसका बचपन छीना और राइडन ने गुनहगारों से उनकी ज़िंदगी, हिसाब बराबर।
अब बस एंड में मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि राइडन का शरीर भले ही मशीनों का सही, लेकिन वो इंसान है और हमसे ज़्यादा।